पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमा नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। आजकल डेली ही ढुमसाने में आ रखे हैं और सामने देखिए यहाँ से चौखंबा पर्वत क्या गजब का दिखाई दे रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है अपना इस चोटी पे ना बर्फ गिरी हुई है, एकदम चांदी की तरह चमक रही है और ऊपर से उस पर धूप तो बिल्कुल चमक रही है। और मैं आज सीधे ढुमसानी आके ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आज साढ़े दस हो गई है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 10:30 बजे से कर रही हूँ और सीधे ढुमसानी से कर रही हूँ। और ये मेरी पेलदारिस वाल्टी, वैसे तो हमने पत्तू के ले जाना था लेकिन आज मैं काफ़ी लेट से आई हूँ यहाँ, तो इसलिए आज नहीं जाएंगे, आज सिर्फ यहाँ पे घास काटेंगे। यहाँ देखो यार इतने सारे कुमार लग गए, अब क्या करूं मैं इनका, पता है ये इतने सारे कैसे हो गए ये, क्योंकि यहाँ पे अनाज तो होता नहीं है, सब जंगली जानवर खा जाते हैं और सिर्फ हम यहाँ पे हल लगाते हैं और हल लगा के छोड़ देते हैं। तो हल लगाने के बाद छोड़ देते हैं तो फिर ये ना, अगर इसमें अगर निराई गुड़ाई होती तो इनको अगर निकाला जाता तो ये तब नहीं होते, यहाँ पे तो हल लगाने के बाद दोबारा आते नहीं है। तो फिर ये पूरे के पूरे इस तरह फैल गए। कभी तो छो माजी मैं फूले तेरी आँखों को, आज जनी होश संभाली ये खुली किले, कभी तिन खाणू निखाई मेरा बनामा, आज फिर लगी गले मा। अभी 12:30 बजे का टाइम हो गया है और मैंने ना उधर तक काट दिया है, वहां तक यहाँ नीचे वाला उधर तक। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ रोटी खाने, चाय पीने, क्योंकि ऊपर में नेहा की मम्मी भी आ रखी है तो मेरे को फोन कर रही है, क्योंकि मैं तो घर से भी लाई थी चाय बना के लेकिन उसने भी यहाँ ऊपर में चाय बना ली है। तो फिलहाल हम चाय और रोटी खाते हैं। 12:30 बजे तो हो ही चुकी है टाइम। वो लोग उधर पे काट रहे हैं घास और देखिए उधर देखने को तो इतने बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ देखिए इतने सारे, लेकिन क्या करें यार इन खेतों का, जब इनमें कुछ होना ही नहीं है। ये है यहाँ पे दो लड़कियाँ बैठी, हाय हेलो हाय, बिस्किट अमरूद इस पे बना रही है चाय। दीदी दीदी बोल रही है कि मेरे को वीडियो में मत निकाल बोला, मैं दूसरा यहाँ हो रखी हूँ बच्चे बता नहीं पहाड़ों में तो सब कुछ चल पोंगड़ा पुन के जुल्लू अभी घर पुन गड़वाए वक्त होता तो सब पता बोल के घर पुन के काम वन कमरे वन हर टाइम हम सजी दजी रहते हर टाइम हम सजी दजी रहते थोड़ी नहीं रहते। एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला मेरा सर में नीचे गिर गया, ये मेरे को गिफ्ट में मिला है, ये भी ना ये भी मेरे को आजाद भाई ने दिया है। तो सबसे पहले तो मैं भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया आपका गिफ्ट। और आज मैं एक इस पे ये मिला है और एक ये वाला डिब्बा, एक वाला डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है इस पे, तो इतने सारे डिब्बे इस पे मिले हैं, दो चम्मच और ये बैग मुझे बहुत पसंद आया पता, क्योंकि इसमें ये डिब्बे भी आ जाएंगे और कुछ यहाँ पे मैं अपना मोबाइल भी रख सकती हूँ, यहाँ पे मैं फोन भी रख सकती हूँ, इसके अंदर मेरा स्टैंड भी आ सकता है, मेरा चार्जर वगैरह। और ऐसे और इस पे ना मैं क्या क्या लाई हूँ मैं बताती हूँ, ठीक है? ये ऐसे खुलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें तो मैं रोटी लाई हूँ, ऐसे बंद करते हैं, पौधे और गेहूँ के मिक्स रोटी। और इस पे क्या है, हेलो इसमें मैं रोटी में
मैंने सब्जी नहीं बनाई, मैं मैगी लाई हूँ। ऐसे ऐसे पैक करते हैं इनको। इस पे पता क्या लाई हूँ, इस पे हलवा, नया हलवा ना। इस पे बनाया मैंने दलिया। पैक क्यों करनी है, खा दो तो। अभी दिखाऊंगी तुम पैक। ये इसमें अचार रखने के लिए होगा शायद, कह रही हूँ मैं। अभी इसमें कुछ लाए नहीं, ये खाली डिब्बा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने मेरे लिए ढुमसाने में रोटी ना लाने के लिए टिफिन भेजा है, मेरे को काफी पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पे लगने वाला है हेलीपैड? हैं, किसने बोला? हमको तो कोई अता पता ही नहीं है, जो हमारे खेत है। सच में हमारे खेत है, हमको पता नहीं है। यहाँ दीदी को पता है कि यहाँ पे हेलीपैड बनने वाला है। तो फिलहाल तो हम खाते हैं रोटी चाय, और तब तक आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और हम रोटी खाते हैं। तो बने रहिए। मैं पहुंच चुकी हूँ गौशाला में, और ये रहे हमारे गाय बछिया। आजकल मैं बहुत टाइम बाद इनसे मिलवा रही हूँ। ये है नंदा गौरा। ये है मेरी सिल्की बांध। और आज मेरी सिल्की बांध देखिए ना, ठंड से कैसी ठिठुर रही है, और आजकल काफी बड़ी हो गई है ना। क्या करें यार, मैं अभी आ रही हूँ तो अभी अब बहुत ठंड लग गई होगी ना। ठंड भी लग रही है तेरे को क्या? क्या करें यार, घर का भी देखना पड़ता है, सब जगह देखना पड़ता है, तो ठंड भी लग रही होगी, इसको तो सहन करना पड़ेगा। और इनको भी देखिए, आजकल अपनी गौशाला में काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे ही हुआ आजकल गौशाला से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो इनको मैं अंदर बांध देती हूँ। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ गदीत में पानी के लिए। इस पे लाऊंगी मैं पानी। इस गदेरे के पानी की खासियत पता है क्या है? ये ठंडियों में बहुत गर्म रहता है और गर्मियों में बहुत ठंडा। पे आजकल यहाँ पे ठंड बहुत है, तो ये पानी बहुत गुनगुना सा रहता है। ये लोग दीदी लोग भी यहाँ पे पानी के लिए आ रखे हैं। आजकल काफ़ी टाइम के बाद ये मेरी वीडियो में दिखेंगे, क्योंकि मैं हूँ ढुंगसानी में और ये हैं अभी पापा में। हाय, कैसे हो रखे हैं? आजकल धाड़ धाड़ से मुख एकदम एकदम मुखड़े सूख रखे हैं। हाँ यार, जो अभी दोस्त होंगे यार, हमारी वीडियो भी देखना यार, हम भी तो आजकल इतना काम हो रहा है कि दीदी लोग बोल रहे हैं कि हम वीडियो में आना भूल गए। अरे यार, आजकल मैं ही नहीं हूँ घर में, मैं ही भूल गई हूँ। ढुंगसानी में हो रखा है आजकल वनवास। फिलहाल हम करते हैं इस डिब्बे की सफाई। और हैं हैं आजकल वो ब्लॉगर साहब ऊपर ढुंगसानी है और हम रहे हरतोली। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर में, और मैं पी रही हूँ अभी चाय। हाथ मुंह धो के मैं चाय पी रही हूँ। और आप लोगों के मुझे कमेंट आ रखे थे कि आजकल ब्लॉग में मिक्की नहीं दिखाई दे रहा है, तो मिक्की घर ही में था, क्योंकि मैंने आजकल घर में वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि आजकल मैं डेली ढुंसानी जाती हूँ, तो वहीं पे दिन भर वहीं पे रहती हूँ, तो मिक्की भी घर ही में रहता है, तो कल वाली वीडियो में आपको मिक्की भी दिखेगा। तो फिलहाल मैं चाय पीती हूँ, और उसके बाद बनाएंगे हम खाना, सब्जी वगैरह, रोटी जो भी होती है। तो फिलहाल मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।